जय जोहार संगवारी हो। मोर नाव अनीस है और अगर हमन ह दाऊ दुलार सिंह जी के बारे में बात करन तो रवेली ओकर जन्मभूमि है, लेकिन कन्हारपुरी जी यहाँ अभी हमन बैठे हन, वो हर ओकर कर्मभूमि और ऐसे में ओकर साथ में जिन काम करे है देवीलाल सिंह नाग जी है हमारे साथ में। अच्छा नाग जी, आपसे पूछना चाहूँ कि आप ला ये लोक कला संस्कृति में कैसे रुचि है? ये लोक कला के रुचि मतलब हमारे गाँव में कर्रा में नाचा पार्टी भी, तो नाचा पार्टी में लड़का मैं मन गाते वाते ले बुला कर बोले वही रहे आठ नौ साल के बोल बुलाए वहाँ अपन रहसल उछल करे नाचा के बोल गवाए वहाँ गाँव नचाए नाचो घर तो नाचा वाचो सीख गए हम सीखना शुरू कर दे तो नाचा पार्टी चल गई रुचि यहाँ से शुरू हुई रुचि। जिसे आप मन बताओ कि आठ नौ साल से शुरुआत करे रहे तो वो समय का है आप पारिवारिक बैकग्राउंड से सपोर्ट मिली आपके माता पिता से या घर के बाकी सदस्य से? हाँ मिली। तो ये कहाँ तक मददगार साबित होते हैं आदमी आगे बढ़े में अपन सपना पूरा करें? वो बहुत कम मददगार होते हैं जो हम बढ़े ना, जिनमें कोई ऐसा सपोर्ट भी रहा है और ना भी रहा है। हाँ। दोनों चीज रहा है क्योंकि वो समय कोई पेंशन मिला तो नहीं रही, बहुत कम मिले या नहीं मिले, शौक में आदमी काम करे वो जमाना रही से। अब तो व्यवसायिक बन गए, वो काम ल करो तो पैसा मिली तब हम काम करवो, और पैसा नहीं मिली तो काम नहीं करें। तो ई पाए के सपोर्ट बहुत कम मिले भी और मिले भी, लोग चाहे भी घर के मन नहीं कि लड़का बने बने कलाकार हो थे जान दे दूजन सपोर्ट करे थे दूजन नहीं कहाँ जाई। नाग जी, ये मंदरा जी दाऊ के जो नाचा पार्टी रही रवेली नाचा पार्टी, ओकर बारे में हमला कुछ बताओ। ओकर बारे में तो हमें पुराना और विशेष ओकर इतिहास में नहीं जानन, लेकिन सामने जो रही से कुछ ओकर बताए हुए और कुछ देखे हुए जेकर मैन कलाकार रही है लालू मदन जगन्नाथ नोहरदास शुक्लू ऐसे कही थे जरा हम देखे नहीं रहे, ये मतलब काम करत भी नहीं देखे रहे। ये मन सन 55 में यहाँ रायपुर में नाचा के प्रोग्राम करी एक महीना तक चली बोलते और ऐसा चली से नाचा होकर के एक महीना तक सिनेमा हॉल मन बंद हो गए। तो वहाँ ये रजनी रवेली के रजनी के कलाकार ठाकुर राम है, बुलवा है, बाबूदास है, शिवदयाल है, ये मन भी नाचा देखे लगी। तीन मनगढ़ मन से परिचय रही पहले से नाचा वाले में हूँ मैंने कि हूँ अपने कार्यक्रम करी दिखाई नहीं कहीं मतलब दाऊ जी ले अपन हुनर कि हम मन जानते हैं नाचक बाद भी हैं हमन काम करे के बाद लालू मदन वगैरह मन देखी अब वो कुछ कलाकार मन ऐसा कोई इसके पैसा नहीं मिले थे दाऊ जी हम लोग पैसे नहीं दे दाऊ जी छोड़ दे के बाद लालू और मदन ये मन रवेली रजनी पार्टी बनाई तो वो हमें बाबूदास है, शिवदयाल है, बुलवा है, ठाकुर राम है और मदन है, लालू है, इडा के मैन आदमी ही में दुए झर रही और हमारे यहाँ बाबू जी टहल सिंह बाबू हुआ ये सब सारा इतिहास है। ये पे जानता हूँ कि बोर परवरिश हो दाऊ जी टहल सिंह दाऊ जी मैं 16-17 साल की उम्र में कन्हारपुरी में आया जो अब तक आए हों और हों वो घर में अभी तक हों ऐसा मान के चलूँ। तो ये ही इतिहास मोर है पाए कही जाना था कि ये रवेली रंगनी पार्टी बनाई दाऊजी छोड़ दें तो रवेली रंगनी पार्टी नाम ये पैक चली ये मैं रवेली का आदमी है दाऊजी का नाम नहीं हूँ मैं रवेली रंगनी है कहा पाए के लालू अहमद अल्लाह जान थे रवेली का आदमी है और रेंगनी से जुड़ गए हैं तो रेंगनी जुड़ गए तो मैं सात आदमी थे हमारे यहाँ टहल सिंह बाबू जी हारमोनियम मास्टर थी सात आदमी मन वहाँ के मन सदस्य रही है। तो मैं तो ओखर नाचा गम्मत है अब के जो नाचा गम्मत है ओखर से अलग कैसे रही से? वो जमाने का नाचा गम्मत बहुत छटिक रही से और लोग कुछ सामाजिक शिक्षा प्रद रही सुबह में जो काम करती है जिला नकल कहाँ है कौमी कहाँ है गम्मत कहाँ है
वो कुछ समाज ने कुछ असर मिले ऊपर से, जैसे ये बोंगा पंडित छुआ छूत के बारे में डी से, भटरी डी से, दीवार गंबत का है कि इकर मन के कुरीतियाँ जो थी, कहने का मतलब जातिवाद, वो कुरीतियाँ अलग सुधारे के उद्देश्य कर रहा है गंबत में नाचा के। आपके में नहीं हो बात, मतलब न सिर्फ हंसी मजाक नहीं चलत रही से। देवीलाल नाग जी, आपसे इसे आप मन तो जानते छो कि दाऊ दुलार सिंह जी के नाम से पिक्चर बना थे मंदरा जी के नाम से, जो कि लगभग तो बन ही चुके हैं और 28 जून को खर रिलीजिंग डेट है, सबो थिएटर में सिनेमा में लग जाही। तो का लगते ये छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक है वो इंसान के जिन्हें नाचा गंबत के जनक कहे जाते छत्तीसगढ़ में, तो कायकर से लोक कलाकार मन ला कुछ सहायता मिली या उखर जीवन में कुछ प्रभाव पड़ी, और साथ में छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री है वो में क्या प्रभाव पड़ सकता। अब किस तरह वो फिल्म है कि वो कलाकारों में कतिक प्रभाव पड़ी, अब ये तो हम नहीं कह सकन, ऊपर कहानी के रूपरेखा जब जानते हैं तो हम ये बता सकन कि हाँ कलाकार ला एक से कुछ प्रभाव पड़ी, कुछ शिक्षा मिली या जागृति हुई या कला के कुछ उत्थान हुई। अब हम जानवनीकरण का है, कोई हिस्टोरी का है, का बने हैं जिकर से का प्रभाव पड़ी देख के, और जानते रहते हैं ना कोई हिस्टोरी ले पूरा कि कहीं ऊपर थीम का है, कैसे बने हैं जिकर से का प्रभाव पड़ी, तब तो कह सकते हैं उनके ऐसे ऐसे प्रभाव पड़े। लेकिन हाँ ये बात तो जरूर है कि दाऊ जी के नाम से बना थे तो जो नाम है तो प्रभाव पड़ी कि दाऊ जी कैसे रही से, कैसे काम करे थे इसे, अरे वो है वो छाया में फिल्म में छाया चित्र में ये सारा बात है, तो कर प्रभाव तो कुछ पड़ी, लेकिन कहाँ तक प्रभाव पड़ी हम नहीं बता सकते। दाऊ मंदरा जी के नाम से जो मूवी बने हैं मंदरा जी, वो 28 जून को रिलीज हुआ थे, तो हमूमन जाबो और आपो मन बिल्कुल आवो और देखो मंदरा जी के जीवन में आधारित छत्तीसगढ़ के पहला बायोपिक पिक्चर मंदरा जी।